अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हानिया लोधी किचन। व्यूवर्स, आज हम लोग हानिया लोधी किचन में बना रहे हैं चिकन की नहारी। बीफ नहारी जो है वो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आज हम लोग कुछ डिफरेंट बना रहे हैं, तो इसलिए आज हम बना रहे हैं चिकन की नहारी। तो चिकन की नहारी बनाने के लिए चिकन लिया मैंने यहाँ पर 1 kg। मैंने यहाँ पर जो है वो बोन्स के साथ लिया है। आप लोग अगर चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो बोन्स के साथ बना रही हूँ चिकन की नहारी। तो नहारी बनाने के लिए जो है वो नहारी का होममेड मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर चीज़ें ली हैं। सौंफ ली मैंने यहाँ पर 1 teaspoon भरकर, साबुत धनिया लिया मैंने यहाँ पर 1 teaspoon भरकर, तेज़पात लिया है यहाँ पर मैंने एक, ज़ीरा लिया है हाँ मैंने 1 teaspoon भरकर। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 7 से 8 जो है वो लौंग ली हैं, दालचीनी का टुकड़ा लिया एक, जायफल जावित्री लिया, यहाँ मैंने जो है वो बादियान का फूल लिया है, 4 छोटी इलायची और 4 बड़ी इलायची मैंने यहाँ पर ली हैं। तो निहारी का होममेड मसाला बनाने के लिए इन सब चीज़ों को जो है वो मैं ब्लेंड कर लूँगी। इसके अलावा निहारी के लिए जो है मसाले यहाँ पर लिए हैं मैंने 1 teaspoon भरकर लाल मिर्चों का पाउडर, 1 teaspoon मैंने यहाँ पर लिया है गरम मसाला पाउडर, 1 teaspoon भरकर मैंने यहाँ पर लिया लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 teaspoon नमक, 1/2 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon यहाँ पर मैंने लिया है धनिया पाउडर। तो निहारी बनाने के लिए सबसे पहले ये वाले जो स्पाइसेस हैं इनको जो है वो हम ब्लेंड करके इसका फाइन पाउडर कर लेंगे। तो व्यूवर्स, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ जो है वो हमने सारे स्पाइसेस का फाइन पाउडर कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। तो अब जो है वो हम निहारी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ हमने एक पतीले में 2 कप ऑयल के भरकर गरम होने के लिए रख दिए हैं। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें हमारा चिकन ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसको। चिकन को हम ऑयल में जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए, तब तक के लिए इसको फ्राई करते रहेंगे चिकन में। तो व्यूवर्स, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ जो है वो चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें जो लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने लिया हुआ था वो डाल देंगे 1 teaspoon भरकर। अच्छी तरीके से भूनेंगे लहसुन और अदरक को इसमें हम। स्पाइसेस ऐड करेंगे इसको भूनने के बाद। अब हमने जो ये स्पाइसेस पीस कर रखे हुए थे ये हम इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे इसको। इसी के साथ जो हमारे बाकी के स्पाइसेस हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 teaspoon भरकर इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे, 1 teaspoon भरकर इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, 1 teaspoon नमक, 1/2 teaspoon हल्दी, गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 teaspoon, मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से जो है वो हम हमारे चिकन की भुनाई करेंगे यहाँ पर, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसको। तो व्यूवर्स, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ हमने हमारे मसाले की इतनी भुनाई की है कि इसमें से जो ऑयल था, जो तरी थी, वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो तरी ऊपर आ रही है इसमें से हम जितनी निकाल सकेंगे उतनी हम निकाल कर साइड पे कर लेंगे। तो जितनी तरी हम इसमें से निकाल सकेंगे वो निकाल लेंगे, ये देख सकते हैं आप लोग, निकालते जाएंगे और एक साइड पे करते जाएंगे इस तरीके से, जितनी निकाल सकेंगे निकाल लेंगे। तो व्यूवर्स, ये देख सकते हैं आप लोग, जितनी तरी हम निकाल सकते थे इसमें से निकाल लिए हमने, ये देख सकते हैं आप लोग। तो तरी को हम कर देंगे साइड में और अब हम इसमें जो है वो 2 glass जितना पानी डाल देंगे, पानी डालेंगे इसमें।
तो यहाँ हमने जो है वो 2 ग्लास जितना पानी चिकन में ऐड कर दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे। तो इसको कवर करके हम लो फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक हमारा चिकन अच्छी तरीके से गल नहीं जाता तब तक हम। तो व्यूवर्स यहाँ जो है हमारे चिकन को गलते हुए आधा घंटा हो चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो चिकन जो है वो हमारा गल चुका है यहाँ पर। तो अब जो है वो हम इसके अंदर आटे का घोल मिक्स कर देंगे। तो व्यूवर्स यहाँ हमने लिया 1 कप, मेजरमेंट वाला कप है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये 1 कप हमने यहाँ पर आटा लिया है। तो आप लोग जो है अगर कम गाढ़ी करना चाहते हैं निहारी को तो आप लोग कम ले लें। मैंने यहाँ पर 1 कप जितना आटा लिया है। इसके अलावा गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया चॉप्ड धनिया लिया है, बारीक बारीक हरी मिर्ची ली मैंने उसको चॉप्ड कर लिया, लेमन लिए हमने यहाँ पर इसके स्लाइसेस कर लिए। इसके अलावा जो है अदरक लिया मैंने यहाँ पर जूलियन स्टाइल में, इसको कट कर लिया है। तो अब यहाँ जो है वो आटे के अंदर मैं पानी मिक्स करूँगी और इसको जो है वो पतला पतला सा इसका जो है वो मिक्सचर तैयार कर लूँगी, बिल्कुल बगैर लम्स का पतला पतला सा इसको तैयार करूँगी। पानी डालूंगी और इसको पतला सा तैयार कर लूंगी कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो व्यूवर्स ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ जो है वो मैंने आटे में जो है वो पानी मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। देख सकते हैं आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी को, कोई लम्स कुछ नहीं है इसमें, लम्स नहीं छोड़ना है आपको। अगर इसमें कोई लम्स रहा तो आपकी जो निहारी में जो है वो गुठलियाँ आ जाएंगी आटे की, तो इसलिए बिल्कुल इस तरीके से पतला पतला इसका पेस्ट करना है। अब मैं इसको निहारी में डालूंगी। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा सा जो है वो ऐड करती जाऊंगी आटे का घोल, और इसको जो है वो मिक्स करते जाएंगे इसमें जल्दी जल्दी से, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे इसको जल्दी जल्दी से। इस तरीके से सारा ऐड कर दूंगी इसमें। तो व्यूवर्स निहारी में जो आटे का घोल था, जो पेस्ट हमने बनाया था, वो हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसको इतनी देर के लिए भूनेंगे कि हमारा जो आटा है उसका कच्चापन जो है वो निहारी में से दूर हो जाए। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम आटे को पकने देंगे इसमें। तो व्यूवर्स यहाँ हमने निहारी को इतनी देर के लिए पका लिया है कि आटे का जो कच्चापन था वो दूर हो चुका है। 10 मिनट के लिए हमने इसको पकाया है। अब हम इसको गार्निशिंग करने के लिए इसमें जो है वो हरा धनिया डाल देंगे जो हमने कट करके रखा हुआ था, अदरक डालेंगे, लेमन डाल देंगे, जितना आपको इसको खट्टा करना हो उतनी आप डाल सकते हैं लेमन। हरी मिर्ची जो हमने चॉप्ड करके रखी हुई थी वो हम इसमें डालेंगे। फ्लेम को जो है वो हमने ऑफ कर दिया है। अब हमने जो तरी इसकी निकाल कर रखी हुई थी वो हम इस पे डाल देंगे इस तरीके से। तो निहारी जो है वो हमारी तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करके, तो व्यूवर देख सकते हैं आप लोग, तैयार है हमारी मजेदार सी चिकन की जल्दी से बनने वाली निहारी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। तो आप लोगों को भी अगर ये झटपट रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग भी चिकन की निहारी को घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।